तो आज का जो कुछ प्रैक्टिकल होगा हम आपको करके दिखाएंगे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे दो मैग्नेट की, ठीक है। यहाँ हमारे पास चार छोटे छोटे कील है, एक हैमर यानी हथौड़े की और एक धागे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने चार पॉइंट लगा रखे हैं इक्वली डिस्टेंस पे। इसको मैं इस की मदद से यहाँ पर ठोक दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और देख सकते हो, ठीक है, यहाँ ठोक देता हूँ मैं और एक इस कोने पर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देन एक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से चार कील में लगा दूंगा हर जगह पे। और एक लास्ट में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस धागे की सहायता से बांध देंगे और चार जगह से बांध देंगे। देखो हमने एक यहाँ से बांध दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, एक मैंने यहाँ से बांध दिया, ठीक है, चार जगह से मुझे बांधना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंने बांध दिया, डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ तक का, तो फिर दूसरा भी मैं यहाँ से बांध लेता हूँ। लिया, अब देखो इसको चारों तरफ से इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा। तो देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से चार तरफ मैंने कील लगा दिए, धागे से बांध दिया, ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में। तो इस मैग्नेट को मैं छोड़ रहा हूँ, नीचे की तरफ गिर रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट में यहाँ पे आपको लाके दिखाऊंगा, देखो ऐसे चिपक गया है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इस मैग्नेट को एक बार उल्टा कर देना, जैसे उल्टा करूंगा तो ये चिपकेगा नहीं और ऊपर इसको पुश करेगा, धक्का देगा, और उसी की मदद से आप देख सकते हो इस मैग्नेट को मैं हवा में लटका सकता हूँ, देख सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भी बीच में कुछ नहीं है, आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे इस पैन को मैं आर पार कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो डी है बच्चे दे रहे हैं करके, देखो इस तरह भी कर सकता हूँ, इस पेंसिल को भी देख सकते हो ये, अरे क्या सारी चीज़ देखो, देखो अपनी सबको करके देखते हैं यहाँ पे, तो इसको भी इसके नीचे से आर पार करके देख सकता हूँ, कुछ नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट इसके अंदर हो रहा है, देख सकते हो। हमने सब चीज़ों को आर पार करके निकाल लिया, हम यहाँ पे एक एक करके इस चीज़ को रख के देखते हैं, जैसे डी है इसके नीचे से हमने निकाल लिया, इसके ऊपर उसके ऊपर रखते हैं कितना वेट सह सकते हो। हमने इसके ऊपर इस डी को रख दिया है और आप देख सकते हो ये डी हवा में लटक चुका है बिल्कुल, ये देख सकते हो आप, ठीक है, पंखे की वजह से हिल रहा है ये, बिल्कुल हवा में लटका हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो डिस्को डांस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस पैन को रखते हैं, क्या इसके वेट को सह पाएगा नहीं सह पाएगा, यहाँ पे हम इसे रख के देखते हैं, और ये यहाँ से मूव कर रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, दिक्कत ही हो रही है, बाकी वेट तो इसने सह लिया, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, ठीक है, कोई और चीज़ रख के देखते हैं बैलेंस वाली, ठीक है। चलो इस कोम को रख के देखते हैं, इस कोम के वेट को सहलेगा कि नहीं सह पाएगा, तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं और इसको, इसका भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, मेन दिक्कत यहाँ पे बैलेंस की हो रही है, फिर भी इसको हम कोशिश करेंगे रखने की। और आप देख सकते हो भारी से कोम को इसने उठा लिया, इतनी पावर इस मैग्नेट के अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हो कि हमने इसके ऊपर कोम को रख दिया, कंघे को रख दिया, उसको भी इसने वेट सह लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे हमें और भी चीज़ें दे रखे हैं, ठीक है, इस इरेजर दे रखा है, इसको भी चेक करते हैं, यहाँ पे हमने इस इरेजर को रख दिया, इसका वेट काफ़ी हैवी है और इसने इसका वेट को सह लिया है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और इरेजर, देखो दो इरेजर रखते हैं, हमने इसको सेंटर में रख दिया है, ठीक है, और बैलेंस नहीं बना पा रहा है, मेन दिक्कत बैलेंस की। फिर एक दूसरा इरेजर भी इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, तो दूसरा इरेजर यहाँ पे बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, और ये देख सकते हैं आप, उसने दो इरेजर को एक साथ बैलेंस कर लिया है, बहुत ही मजा आ गया आपको और हमें भी साथ में, देख सकते हो दो इरेजर को उसने वेट सह लिया, फिर भी नीचे टच नहीं हो रहा, तो अब इस गिलास को भी रख के देखते हैं कि क्या होगा, क्या इस गिलास को ये सह पाएगा नहीं सह पाएगा। मैग्नेट नहीं नीचे वाला तो हम उसको कर लेंगे, तो अगर नीचे वाला मैग्नेट ना मूव हो तो ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को करने की, तो नहीं हो पा रहा। बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं इसको डी को इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, और फिर इस गिलास को बैलेंस करते हैं, ये दिमाग हमने सही लगाया है, तो लेकिन दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्यों बिना पाया, एक काम करते क्यों ना इसको गिलास को उल्टा करके रखते हैं, ठीक है। अगर मैं इस गिलास को यहाँ पे उल्टा करके रखता हूँ तो क्या होता है, क्या उसमें बैलेंस, क्योंकि बैलेंस की बात हो रही है, तो यहाँ देखते हो और ये देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस बन चुका है, और ये हवा में अगर आपको नीचे दिखाओ वो बिल्कुल अभी भी हवा में है, इसने काफी वेट सह लिया है, इतनी पावर इस मैग्नेट के अंदर आप देख सकते हो, पूरे इसने पावर लगा दी है, फिर भी नीचे नहीं हो रहा है, फुल पावर इसके अंदर।